आज बजट आने वाला है क्या? बहुत अच्छा उम्मीद है और इससे जितनी अच्छाई हम लोग उम्मीद करें और समय के अनुसार तो थोड़ा हाई अप लो अप रहता है, लेकिन बजट बहुत अच्छा रहेगा, इसके लिए कोई कमेंट नहीं है। क्या उम्मीद है, किस तरीके का बजट आने जैसे आम लोगों को राहत मिल सके? अब आम लोगों को राहत, आम लोग अपने आप में बहुत विक्टिम है, किसको आम लोग कहा जाए ये डिपेंड करता है अपने कल्चर, अपने सोशल स्टेटस पे, आप कहाँ रह रहे हो उस पर डिपेंड करता है। बजट से सभी को बहुत आशा रहती है, क्योंकि यही हमारा पूरे साल भर का और हमारे आगे आने वाले समय का पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है। इससे सबको अपना अलग अलग एक्सपेक्टेशन होता है, हमारे जो यूथ हैं उनका अपना अलग एक्सपेक्टेशन है, जो हमारे जनरल लोग हैं जो उनको महंगाई से दिक्कत है तो उस पर उनको उम्मीद होगा कि कुछ महंगाई कम हो, जैसे पेट्रोल डीजल का दाम है वो सब भी थोड़ा कम हो और थोड़ा डेवलपमेंट का भी काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बने तो, और हमारे जो यूथ लोग हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट का जो इश्यू है जो बिहार में खासकर है तो उसको एड्रेस किया जाए। देखिए बजट तो चूंकि 2024 में चुनाव है तो बजट निश्चित रूप से जो आम नागरिक है उसके हितों में सरकार ये बजट पेश करेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, अब पिछले एक दशक से अगर ले लीजिएगा तो किसी ने इनके बारे में कभी सोचा नहीं है कि वास्तविक में ये लोग इनकम टैक्स पे ही होते हैं। इन लोगों से सरकार को आमदनी होती है मगर सरकार इनके लिए कभी सोचा नहीं करते हैं। जो इनकम टैक्स स्लैब है वो निश्चित रूप से उसमें उसका जो स्लैब थोड़ा ऊपर जाए ताकि लोगों को इनकम टैक्स से थोड़ी सी राहत मिले, और सरकार में जो है इनकी भागीदारी भी एक अनमने ढंग से ना होकर स्वेच्छा से ये लोग और ज़्यादा आयकर देंगे, और हमें लगता है ये बेहतर राष्ट्र निर्माण में योगदान होगा। क्या लगता है किस तरीके के बजट आने चाहिए? देखिए एक तो जो 7.5 लाख से ऊपर जितने भी जाते हैं उसमें 20% लगता है अगर पूरी आमदनी पर, ये बहुत अधिक है। इन दिनों जो महंगाई है, महंगाई के हिसाब से 7.5 लाख रुपए में और शिक्षा का जो स्तर है, अगर बच्चे अपने कोई भी आदमी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी महंगा और खर्चीला है, तो एक बच्चे पर औसतन 2 लाख रुपए तो 1.5 से 2 लाख रुपया सालाना खर्च होता है, और 7.5 लाख इनकम होता है उसमें से अगर 20% अगर इनकम टैक्स दे दिया जाए तो ये हमें बहुत उचित नहीं लगता है। ये हम भी लोकतंत्र के एक सारथी हैं, लोकतंत्र के पुजारी हैं, परंतु किसी एक वर्ग से इतनी ज़्यादा राशि का आयकर के रूप में लेना, और वहीं दूसरी तरफ एक चीज़ से तो हमें भी तकलीफ होती है, खैर ये तो पॉलिसी इशू है कि अगर कोई राजनेता, वो विधायक बनता है उसका पेंशन अलग, सांसद बनता है उसका पेंशन अलग, मंत्री बनता है उसका पेंशन अलग, तो इन सारे चीज़ों को सरकार तो एक दीर्घ लेवल पे विचार करे, मगर जहाँ तक बजट की बात है निश्चित रूप से मध्यम वर्गीय लोगों को इससे राहत मिलनी चाहिए, और ये राहत आयकर की सीमा को बढ़ाकर दायरा को बढ़ाकर ही दिया जा सकता है। उम्मीद तो यही है कि जो है ना कुछ सस्ता होना चाहिए, महंगाई काफ़ी बढ़ी हुई है और क्या उम्मीद कर सकते हैं, एक आम नागरिक होने के नाते इसे अच्छा उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये सरकार हमारे लिए बढ़िया करे। सरकार से तो बहुत उम्मीद है, सरकार हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के तो आमदनी जो था वही कल भी था आज भी है, लेकिन महंगाई के कारण हम लोग का स्थिति इतना चरमरा गया है, बच्चे के फीस ही सब सबसे बड़ा कि खाद्य सामग्री गैस सिलेंडर ये सब है, जो 1150-1150 रुपये में सिलेंडर जो 400 रुपये मिलता था, हम लोग उसी में घर चलाते थे, एक हम लोग का सिस्टम बना हुआ था, जो हम लोग का घर का सिस्टम घरेलू सिस्टम धराम हो गया है। हम लोग चाहते हैं, सरकार से यही इच्छा है कि हम लोग को मध्यम वर्गीय परिवार को देखते हुए बजट ऐसा पेश करे, बहुत आशा है हम लोग को ऐसा पेश करे कि हम लोग भी जी खा सके, बढ़िया से खा ले और अच्छा से समाज में हम लोग रह सके। सरकार से तो हम लोग को लगता है कि हाँ बिहार में जो हिसाब से किसान लोग को थोड़ा सा यूरिया खाद के लेकर के ये सब जो है कमी है,
ये है किसानों अति है, यहाँ गवर्नमेंट का मंडी नहीं है। मंडी जो होता है कि किसान लोग माल ला करके उसको दो पैसा फायदा हो, उस कारण यहाँ बिहार में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। मंडी को बनाना चाहिए गवर्नमेंट को कि किसान लोग मंडी में ला करके अथी करे, उपयोग करे। और बहुत सा ऐसा है, महंगाई गैस सिलेंडर बढ़ते जा रहा है, कम से कम इस पर रोकथाम हो। पेट्रोल का दाम जो है से थोड़ा सा सीमित हो, पेट्रोल भी तो कुछ घटाए हैं लेकिन फिर भी और थोड़ा सा घटना चाहिए, 65-70 पर आना चाहिए पेट्रोल।